अस्सलाम वालेकुम चोई साहब, ठीक हैं आप? अच्छा, एमएनए साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपने इलेक्शन में हमारे साथ मोहब्बत की है ना, तो उसके वजह से शुक्रिया अदा करने आपके पास आ रहे हैं। सर वो सामने घर है चोई साहब का। हाँ, वहाँ जाने से पहले मेरी एक बात सुन जी। ये है मेरा दोस्त, ठीक है, इसने हमें इलेक्शन जितवाया यहाँ, ठीक है, माना कि ये मेरा बहुत असल में लगोटिया यार गरीब है, गरीब भी है और हम बचपन में इकट्ठे पढ़े लिखे, इसलिए थोड़ा सा ना मेरे साथ फ्री भी है, लेकिन मजबूरी है, तुम्हें पता है हम गरीबों को ज़्यादा मुंह तो नहीं अब लगाते, लेकिन मसला ये है कि अगले साल पे हमने वोट तो नहीं से लिया, ये पूरा गाँव इसकी बात है, इलाके का चौधरी, इलाके का चौधरी है, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसको मुबारकबाद देना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये चीज़ें सीख जाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो आज चलते हैं। तो मैंने साहब देख के सुन, आपने फिर असम्बलियों में जाना, हाँ तुम्हें पता है, तो पहली दफा अब इधर आखिरी दफा चक्कर लगाया आपने, यार ये इस मिट्टी में हमारा दिल तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी है ऐसी। भजन नशे करना, चलो चौधरी साहब आपको एक पढ़ी लिखी बात बताता हूँ, आवाज जो है ना वो दी जाती है, मारी नहीं जाती। साई ये तुहाडे च रवाज हो सी दमन दुमन दा, साडे ते मारन दा रवाज है। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो वड़ गया।